सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माई डियर फ्रेंड्स आई थिंक एवरी थिंग इज परफेक्ट नाउ आई एम ऑडिबल एज वेल एज विजिबिल कुछ भी नया शुरू करने के पहले आई वोट रिवाइज वड एवर आई हैव डन टिल नाउ एंड देन वी विल स्टार्ट विद न्यू टॉपिक सबसे पहले दिन मैंने आपको बताया था सेक्शन नंबर वन जो है हर एक्ट का बात करता है रिलेटिंग टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज ऑल्सो नो एक्सेप्शन तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी सेक्शन नंबर वन जो है वो बात करता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट के बारे में क्या आप लोग मुझे बता सकते हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ज्योग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी क्या है क्या आप लोग मुझे बता सकते हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ज्योग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी जो है वो क्या है दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू

and that is the 1st of september 1872 1st september 1872 se ye act jo hai ye applicable hona shuru ho gayi along with that we also learnt about the definition of the word contract to aap log jante ho contract ki definition दो हिस्सों में हम divide कर सकते हैं. an agreement enforceable by law is a contract अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बायट क्या आप मुझे वो बता सकते हो अलॉन्ग विद्रैक्ट इस शब्द को डिफाइन किया है so, yes, two, और यही शब्द जो है उसकी डेफिनेशन कहती है एन अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट वीन बाय एन अग्रीमेंट जब कभी भी कोई पर्सन एक ऑफर देता है और उसी को जब एक्सेप्टेंस मिलता है जब कभी भी कोई पर्सन कोई ऑफर देता है और उसी ऑफर को मिल जाता है एक्सेप्टेंस ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया मतलब बेसिकली दे हैव अग्रीड अपॉन अ पर्टिकुलर थिंग और इसी को कहते हैं एज एन अग्रीमेंट यही अग्रीमेंट जब कभी भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है सो बेसिकली वेन एवर इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ दिस अग्रीमेंट विल बी नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड यू नो द वाइडर टर्म इज एन अग्रीमेंट वेर एज दैरोअर टर्म इज अ कॉन्ट्रैक्ट हर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट तो होगा ही बट हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है हर कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट तो होता ही है इनफैक्ट डेफिनेशन ही कहती है अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट बट मी टेल यू एवरी अग्रीमेंट मे नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आपकी अग्रीमेंट सोशल नेचर की है डोमेस्टिक नेचर की है ऐसे समय पर आपका अग्रीमेंट अग्रीमेंट ही रह जाता है एंड इट कैन नॉट गेट कन्वर्टेड इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट सो विच इज द वाइडर टर्म अग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म एज कंपेयर टू अ कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ साथ हमने अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफ्रेंसिएशन भी देखा था बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप, मुझे इंस्टाग्राम पे अपने होमवर्क के फोटोज भेजे थे एंड आई थिंक काफी सारे बच्चों के अराउंड आई थिंक अराउंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी स्टूडेंट्स के मैसेजेस का मैं रिप्लाई कर पाई बट माई इंस्टाग्राम वॉज फ्लडेड विथ योर मैसेजेस तो आई एम रियली वेरी सॉरी अगर मैं आपका मैसेज uh, नहीं देख पाई uh, आई आई जस्ट मेक इट श्योर के एक दो दिनों में आई जस्ट चेक योर आंसर एंड आई रिप्लाई टू द मैसेजेस दैट यू हैव सेंड टू मी ओके साथ साथ में हमने ये भी चीज देखी थी क्या चीज हमने देखी थी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कुछ चीजें का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कुछ बेसिक चीजें का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कौन सी है ये बेसिक चीजें उसमें से हमने पांच पॉइंट्स देखे थे सबसे पहला पॉइंट जो है वो बात करता है क्या कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए आपको लगता हैं कम से कम दो पार्टीज ओके एक होता है जो ऑफर देता है और दूसरा वो होता है जो इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है सो वन पर्सन के नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ जब कभी भी आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना होता आपको लगेगे कम से कम दो पार्टीज यही दो पार्टीज़ का इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन क्या आप लोग मुझे वो का नाम बता सकते हो जो मैंने पॉइंट नंबर के लिए किया था मैंने आपको बताया था वो हस्बैंड और वाइफ का एक केस था क्या तुम्हें याद है क्या आप लोग मुझे बता सकते हो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट केस लॉ जहां पे हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर कुछ ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है दैट ओनली रिमेंस एज एन अग्रीमेंट इट डज नॉट गेट कनवर्टेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और इसी केस लॉ का नाम है कम टेल मी गाइस यस वेरी गुड तो हर्षा ने सबसे पहले मुझे सही जवाब दिया है हर्षा के बाद है माला वैष्णवी मुनाफ एंड आदित्य यश वेरी गुड द नेम ऑफ द केस लॉ इज बालफर वर्सेस बालफर अवध एंड सपना देखो सिर्फ बैल्फर आपको नहीं लिखना है आपको पूरे केस लॉ का नाम लिखना है ओके सो वेन एवर यू साइट द नेम ऑफ अ केस लॉ यू राइट इट एज बालफर वर्सेस बैल्फर ओके सो द नेम ऑफ द केस लॉ इज बैल्फ वर्स बैल्फर साथ साथ में तीसरी रिक्वायरमेंट जो थी वो कहती थी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स का होना जरूरी है जब तक आप ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते हो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं एंटर हो सकता है जैसे कि कोई इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर यूजली मेड इन राइटिंग अब उस केस में माई डियर फ्रेंड्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होते हैं जब आपने राइटिंग में लिखा है उसको साइन किया है तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसे टाइप का है जिसमें कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स का होना जरूरी है जब तक आप ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं करते आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग ऑब्वियसली टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी वेक दे शुड बी सर्टेन एंड लास्टली दे शुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू बी परफॉर्मड ओके okay? तो अगर मैं कहती हूँ आई विल गिव यू फाइव लाख रुपीज इफ यू मेक दिस डेड पर्सन लाइफ क्या यह कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल है ना और अगर यह कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन द आईज ऑफ लॉ ओके ईशान uh, बेटा ये जो लेक्चर्स है बेसिकली ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लेक्चर्स है तो जब कभी भी फैकल्टीज लेक्चर्स डिलीवर करते हैं उसी समय पे एक्सपेक्टेड होता है कि आप हमारे साथ ही लेक्चर्स देखो बैकअप में मैंने आपको लेक्चर्स इसीलिए दिया है क्योंकि हो सकता है कभी कभार आपके कुछ जेन्युन रीजन है सच में आपकी तबियत खराब है या घर पे कुछ गेस्ट आ गए या किसी कारण के वजह से जेन्युइन कारण के वजह से आप वैक्सीनेशन लेने के लिए उसी टाइम पे चले गए यू आर नॉट एबल टू वॉच द लेक्चर्स इसीलिए हमने बैकअप लेक्चर लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए हैं सो ऑब्वियस बात है बैकअप लेक्चर्स हम एक दो दस बार अलाउ नहीं कर सकते बच्चों को देखने के लिए ऑफलाइन लेक्चर्स विल बी अलाउड टू बी व्यूड ओनली वंस ओके सो दिस इज अ प्रिविलेज दैट इज गिवन टू यू इट इज नॉट अ लग्जरी दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू ओके समझने की कोशिश करो हम चाहते हैं कि आप शेड्यूल को फॉलो करो अपने आप सिंसियरिटी यू नो अपने आप के लिए सिंसियर रहो और हर रोज आप चार लेक्चर देखो उसी का तो मतलब है लाइव स्ट्रीमिंग का अदरवाइज तो हम लोग फिर पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव के लिए ही चले जाते हैं ईशान है ना बेटा तो अंडरस्टैंड ट्राई टू अंडरस्टैंड क्योंकि आप लोग वो सिंसियरिटी नहीं बता रहे हो वी हैव टू पुट दीज टर्म्स एंड कंडीशन ताकि एटलीस्ट वो प्रेशर में आके आप लेक्चर्स देखो है ना तो चलो आ जाइए कमॉन इन पॉइंट्स की समरी जो है ना अगर आप आपकी मेन बुक देखते हो मेन बुक में हर पॉइंट पे हर एक पॉइंट में मैंने पैराग्राफ्स में जो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है उसको ब्लू में हाईलाइट किया हुआ है सो बेसिकली दैट इज नथिंग बट इट इज द समरी और अगर आप सिर्फ समरी चाहते हो तो मैंने आप लोगों को चार्ट बुक भी प्रोवाइड किया आप वो भी देख सकते हो ठीक है बैकअप लेक्चर्स बेटा एप्लीकेशन में ही है ना स्लो मोड इज फॉर थर्टी सेकेंड उतना तो मुझे रखना ही पड़ेगा उससे कम मैं स्लो मोड नहीं रख सकती हूं अदरवाइज Uh, बहुत ज्यादा केयस हो जाएगा डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है है ना हमें पढ़ाई करनी है वो प्रायोरिटी है और पढ़ाई करते करते थोड़ी बहुत मस्ती चलती है मस्ती करते करते हमें पढ़ाई नहीं करनी है सो आई एम रियली वेरी सॉरी थर्टी सेकेंड से कम मैं टाइमर को नहीं रख सकती थर्टी सेकेंड्स आई हैव टू कीप इन द टाइम सो दैट अगर कुछ पांच सौ बच्चों ने अभी रिप्लाई किया है मेरे एक सवाल का अगले सवाल का आई वुड ऑब्वियसली वॉन्ट दी अदर किड्स टू आंसर टू दैट क्वेश्चन ओके चलो What am I doing right now is I'm turning off the chat because right now I'm explaining a concept

जो मैं आज शायद रिपीट करना चाहती हूं क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों ने वो क्लास मिस की होगी अगर आपको टॉपिक सिखाते सिखाते कुछ डाउट आ भी आ भी भी रहा रहा है है प्लीज उस डाउट को अपने पास ही रखिए लेट द कॉन्सेप्ट गेट ओवर आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर के मेजोरिटी बच्चों का डाउट कॉन्सेप्ट खत्म होते ही उनका डाउट भी खत्म हो जाएगा बट फिर भी आपको लगता है कि आपका डाउट कुछ अनोखा सा ही है और ऐसा कुछ डाउट है जो मैंने नहीं कैटर किया है देन आफ्टर द कॉन्सेप्ट गेट्स ओवर ओके दैट टाइम यू कैन आस्क मी योर डाउट्स बीच में जब मैं सिखा रही हूं आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ ऑल टू प्लीज नॉट इंटरअप बिकॉज इट डिस्टर्ब द मोमेंटम ऑफ द क्लास है ना चलो आ जाइए जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर ओके तो यू हैव टू फॉलो द रूल्स अगर आपने रूल्स ब्रेक किए तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी ठीक है आ जाइए सो वी आर स्टार्टिंग टूडे विथ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज सेक्शन नंबर टेन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच इज रिलेटिंग टू द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नेहा नेहा कुमारी वो कह रही है मैम टू पार्टीज वाले पॉइंट को प्लीज एग्जाम्पल के साथ समझा दो नेहा आई थिंक यू आर एब्सेंट फॉर फ्राइडेज सेशन Uh, मैंने इस पॉइंट को काफी डिटेल में समझाया है अलोंग विथ एग्जाम्पल्स तो नेहा आई वुड रिक्वेस्ट यूट्यूब पे जो मैंने फ्राइडे के दिन लेक्चर लिया था उसको आप जरूर देखिएगा आपका ये जो क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा बिकॉज बेसिकली इट इज नॉट इवन अ डाउट यू आर टेलिंग मी टू एक्सप्लेन द कॉन्प्ट वंस अगेन विच इज नॉट पॉसिबल सो यू कैन वॉच दैट लेक्चर इट इज अवेलेबल ऑन यू लेक्चर नंबर फोर ओके ऑफ द लाइव स्ट्रीमिंग बैच आई एम हंड्रेड परसेंट शोर यू विल गेट दी आंसर टू वॉट यू हैव मी ओके इनफैक्ट मैंने कुछ आठ से नौ मिनट के ऊपर डिस्कस की थी रिलेटिंग टू टू पार्टीज जहां पे मैंने बताया था अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एंटर्ड बिटवीन टू नेचुरल पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन नेचुरल एंड एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड वगैरह वगैरह सो यू विल गेट द आंसर टू वट एवर यू आस्ट एंड प्लीज स्नेहा डोंट मिस लेक्चर्स ऐसा नहीं चलेगा बेटा है ना अच्छे बच्चे हो ना आप अच्छे से हर रोज आपको क्लासेस देखनी है और मिस नहीं करना है और कोई जेन्युन कारण से मिस हो भी गया है तो अपलोडेड लेक्चर देखना है और अगले दिन के लिए रेडी रहना है ठीक है चलो मेरे लिए नहीं ऑल दिस इज फॉर ऑल है ना So we are starting with a very 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 important topic which is relating to section number 10 of the Indian Contract Act 1872 which is talking about the essential elements of a valid contract. Friday, ke jo humne topic kiya tha, those were the general points which were necessary in order to create a valid contract. आज हम एक्चुअली सेक्शन नंबर टेन से शुरुआत कर रहे हैं तो देखो सेक्शन नंबर टेन का पहला पॉइंट कहता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए होना चाहिए एक अग्रीमेंट इन फैक्ट हम लोग तो पहले दिन से ही देख रहे हैं अ कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट

एन अग्रीमेंट ऑफर एंड एन एक्सेप्टेंस मेक्स एन अग्रीमेंट तो अगर आप चाहते हो कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बने फर्स्ट थिंग दैट इज नेसेसरी इज़ दैट नोन एज दिसको यह ऑफर दिया जा रहा है उसे कहते हैं एज द ऑफरी एंड वंस दी एक्सेप्ट ऑफर ही वुड बी रिगार्डेड एज द एक्सेप्टर और जैसे ही एक्सेप्टेंस हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स दिस बिकम्स एन एग्रीमेंट। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे पहली चीज दैट इज रिक्वायर्ड इज एन एग्रीमेंट, दैट इज एन ऑफर एंड एन एक्सेप्टेंस वुड बी रिक्वायर्ड ओके और आप जानते हो यही एग्रीमेंट शुड बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ <laughs> Only if it is enforceable by law, the agreement will turn into a contract. Otherwise, it will remain to be an agreement. Getting this or no, my dear friends? Bolo. Yes or no, guys? I think you should not be having any doubt in point number one. Still, if you have your doubts, please ask me and then we will move to a very, very. वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटिंग टू फ्री कंसेंट अगर किसी का डाउट है प्लीज पूछिए अदरवाइज आई विल मूव अहेड बिकॉज दिस इज अ थिंग दैट वी हैव बीन डूइंग फ्रॉम द पास टू डेज फ्राइडे और थर्सडे के दिन हमने इसी चीज के बारे में डिस्कस किया था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए यू रिक्वायर एन ऑफर एंड एन एक्सेप्टेंस दैट इज एन अग्रीमेंट इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट इस शब्द की डेफिनेशन ही कहती है अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ सो आई थिंक यू ऑल डोंट हैव एनी डाउट सो वी विल मूव ऑन टू अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज रिलेटिंग टू फ्री कंसेंट नोट्स आपकी कब तक आएगी बेटा नोट्स के लिए आपको मेरी डिस्पैच टीम से कोर्डिनेट करना पड़ेगा आई डोंट रियली लुक इन टू द डिस्पैच थिंग्स ओके उसका एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है हमारे ऑफिस में तो आप डिस्पैच टीम से बात करके पता कर सकते हो कि आपके नोट्स कहां तक पहुंचे हैं ठीक है थीके? सब कुछ होगा बेटा डोंट वरी ओके वी आर गोइंग इन द सीक्वेंस ऑफ द बुक सो प्लीज फॉलो दिस सीक्वेंस ठीक है ईशान दिस इज द फिफ्थ लेक्चर ऑफ आर क्लास सो बेसिकली वी आर डन विथ फोर क्लासेज बट चार क्लासेज में से वन द फर्स्ट क्लास वॉज आर ओरिएंटेशन क्लास जहां पे आई जस्ट गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट हु आई एम एंड हाउ इज माई अप्रोच गोइंग टू बी फॉर द क्लास और मैं कौन सी कौन सी बुक्स प्रोवाइड करती हूँ और वह सारी चीजें हुई थी सो बेसिकली लर्निंग वाइज यू हैव मिस्ड थ्री सेशन ठीक है ईशान एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन आर यूट्यूब चैनल तो वो आप आज के दिन कंप्लीट कर सकते हो बिकॉज माई लेक्चर्स आर जस्ट फॉर एन आवर तो आप चार घंटों में ये कंप्लीट कर सकते हो एंड देन यू यू कैन कोप अप विद द क्लास यू विल बी विद द क्लास यश अभी तक बैकअप लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट डे वेर इन वी आर टेकिंग द क्लास ऑन द एप्लीकेशन Abhita classes, they were being conducted on YouTube, and YouTube is freely accessible by everyone, and that is why there is nothing on the backup uh, section. But from today evening, you will be seeing that the backup lectures are being uploaded. Chalo. Point number two, which is a very, 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 very important point. So, you know the rules of my class. You have to sit straight on your study table, your eyes and ears open. What is this point number two talking about? पॉइंट नंबर टू कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए यू रिक्वायर अ फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज व्हाट डू यू मीन बाय फ्री कंसेंट पहली बात तो डू यू मीन बाय द वर्ड कंसेंट कंसेंट इस शब्द का मतलब होता है मंजूरी कंसेंट इस शब्द का मतलब होता है मंजूरी तो पहली बात तो वी वॉन्ट द कंसेंट ऑफ द पार्टीज बट कंसेंट के साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं वी ऑल्सो वॉन्ट द फ्री कंसेंट फ्रॉम द पार्टीज तो सिर्फ कंसेंट नहीं चाहिए सिर्फ मंजूरी नहीं चाहिए आपका जो कंसेंट है वो फ्री होना भी जरूरी है आपका जो कंसेंट है वो फ्री होना भी जरूरी है वेन विल इट बी सेड दैट योर कंसेंट इज फ्री तो एक्ट कहती है माना जाएगा आपका कंसेंट फ्री है इफ इट इज नॉट कॉस्ट बाय आई डोंट नो सारी चीजें क्यों हाईलाइट हो जा रही है माना जाएगा कि आपका कंसेंट फ्री है इफ इट इज नॉट कॉस्ट बाय इफ इट इज नॉट कॉस्ट बाय कोअर्शन Undue influence, fraud, and misrepresentation. Consent is going to be considered as free if it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, and mistake. Now, what do you mean by these words? ये हर एक वर्ड जो है इनको समझाने के लिए मैं काफी सारा समय लेने वाली हूं इनफैक्ट आज का पूरा दिन इन चार पांच शब्दों के पीछे ही जाने वाला है एक एक शब्द को समझाने के लिए मैं 10 से 15 मिनट देने वाली हूं तो आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये वर्ड्स हमने पहली बार सुने हैं डोंट वरी यू विल बी फेमिलियर टू ऑल दीज वर्ड्स मुझ पर भरोसा रखिए है ना देखो कंसेंट ज नॉट कॉज बाय सिर्फ मेरे साथ ये शब्दों को बोलने की कोशिश करो फिर मैं आपको समझाऊंगी एंड देन वी विल सी द एगाम्पल्स एवरीथिंग विल हैपन जस्ट वेट द परफेक्ट मोमेंट फॉर इट इफ इट इज नॉट कॉज बाय कोअर्शन अंडू इंफ्लुएंस फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन एंड लास्टली इज मिस्टेक सो पहली बात तो हम लोग कह रहे हैं पार्टीज का कंसेंट तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आप कंसेंट ही नहीं देते ऑफर को एक्सेप्टेंस ही नहीं मिलता है ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है मतलब देर इज नो अग्रीमेंट एंड नो अग्रीमेंट नो कॉन्ट्रैक्ट तो पहली बात तो कंसेंट का होना जरूरी है बट कंसेंट के साथ साथ आपका कंसेंट फ्री होना भी जरूरी है वेन विल इट बी सेट दैट योर कंसेंट इज फ्री वेन इट इज नॉट कॉज बाय कोअर्शन अंडू इंफ्लुएंस फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक अब एक एक करके सारे शब्दों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं पहली बात तो कंसेंट होना जरूरी है कंसेंट कंसेंट सो व्हेन विल इट बी सेड दैट टू पार्टीज हैव कंसेंटेड विथ ईच अदर व्हेन दीज टू पार्टीज आर व्हेन दीज टू पार्टीज आर अग्रींग अपॉन द सेम थिंग

और आप इसी स्टाइलिश पेन को मुझसे खरीदने की बात कर रहे हो पांच सौ रुपए में सो वेन टू पार्टीज आर थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम एंड दे अग्रीग अपॉन इट इट विल बी सेट दैट दे हैव कंसेंटेड टू इच अदर इसी को लैटिन में कहते हैं कंसेंसिस एट इडियम क्या कहते हैं सब लोग रिपीट करो तो मेरे साथ देर इज अ लैटिन वर्ड एट इडीएम क्या है यह लैटिन वर्ड बोलो तो कंसेंसिस एट ईडी वर्ड का क्या मतलब होता है इसी लैटिन वर्ड का मतलब होता है वेन टू और मोर पार्टीज आर थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम इट इज नोन एज कंसेंसिस एट इडीएम आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल डोंट वरी ओके सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा एकदम मस्त तरीके से यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग बस आप मेरे पास हो आपकी जिम्मेदारी खत्म अब मेरी जिम्मेदारी शुरू और ये सारे एग्जाम्पल्स काल्पनिक है वास्तविक जीवन से इनका कोई भी लेना देना नहीं है देखो ना यहां पे क्या हुआ है एक दिन क्या हुआ दीपिका शी गोज टू अ पेट शॉप दीपिका पदुकोन शी गोज टू पेट शॉप और इसी शॉपकीपर से वो कहती है दैट भैया आई वॉन्ट अडोप्ट पेट डॉग ओके आई वॉन्ट टू अडॉप्ट पेट डॉग एंड नाउ दिस पर्टिकुलर शॉपकीपर हैड टू डॉग्स विथ हिम एक का नाम था रणवीर और एक का नाम था रणबीर तो अब दीपिका कहती है कि आई वॉन्ट रणबीर बट Unfortunately, there was some communication gap between Dipika and this shopkeeper, and this shopkeeper thought that Dipika is talking about Rangveer. Now, Rangveer? Dipika Now, if you look my dear friends, the shopkeeper and Dipika, that is the customer, are not thinking about the same thing. इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम मतलब बेसिकली दोनों के बीच में कंसेंसिस एड इडीएम नहीं है दोनों के बीच में कंसेंसिस एड इडीएम नहीं है और दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जा सकता है क्यों नहीं माना जा सकता है? क्योंकि इसने डिमांड किया कुछ और उसको सप्लाई हुआ है और कुछ और क्योंकि डिमांड और सप्लाई एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे देर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड क्या बोला है मैंने यहां पे कंसेंसिस एंड इडियम नहीं है मतलब यहां पे मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है क्योंकि यहां पे मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है वी नॉट से दैट दे अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड दस माई डियर फ्रेंड्स इनका अग्रीमेंट ही नहीं होगा और अगर अग्रीमेंट ही नहीं है

तभी माना जाएगा उन लोगों का कंसेंट मिला है यहां पे दोनों पार्टीज का कंसेंट मैच ही नहीं हुआ है इसने कहा कुछ और इन्होंने समझा और कुछ सो देर इज नो कंसेंट ओवेर फ्री कंसेंट तो दूर की बात है यहां पे कंसेंट ही नहीं पाया गया है तो देखो सबसे पहली बात तो यू शुड बी हैविंग अ कंसेंट एंड दिस कंसेंट शुड बी फ्री कंसेंट मतलब क्या दैट देर शुड बी मीटिंग ऑफ माइंड मीटिंग ऑफ माइंड को ही लैटिन में हम लोग कहते हैं एस कंसेंसिस एट इडियम क्या कहते हैं हम लोग इसको कंसेंसिस एट इडियम देर शुड बी अ मीटिंग ऑफ माइंड ओके सो यर दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम Therefore, there is no consensus at idiom and no consent, no contract. Okay, so does this sentence? Two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. This can be understood as identity of minds, underlying the word identity of minds. So basically, there should be a meeting of minds in understanding the term, and this term is. कंसेंसिज एट इडियम लेटमी टेल यू वन थिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारे शब्द जो है दो लैटिन वर्ड तो ये जो शब्द है ना कंसेंसिज एट इडियम इवन दिस इज अटिन वर्ड इट इज नॉट एन इंग्लिश वर्ड ओके एंड इसी शब्द का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम यू ऑल नो इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज ओके शब्द बहुत कम है

तो आप ये लैटिन वर्ड सीखने वाले हो अलोंग विथ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ठीक है आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ कंसेंसस एट इडियम मैं क्या चाहती हूं आप, आपके नोटबुक्स पे आइए और नोटबुक्स के लास्ट पेज पे लास्ट हाँ, पेज पे आप लिखो लैटिन वर्ड एंड मीनिंग क्या लिखोगे आप ऐसे आपके लास्ट पेज को आपके नोटबुक्स के सो आई मज्यूमिंग टिल नाउ एवरी वन हैज द सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ ओके और इसी लास्ट पेज पे आपके नोटबुक पे यहां पे लिखो लैटिन वर्ड लैटिन वर्ड और यहां पे लिखे मीनिंग सो लैटिन वर्ड consensus ad इडियम और इसी का मीनिंग है मीटिंग ऑफ माइंड्स मतलब थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम

क्या है बेटा मैंने डिक्टेट किया है ना लैटिन वर्ड लिखना है और उसका मीनिंग लिखना है सो लैटिन वर्ड इज कंसेंस इज इडियम एंड मीनिंग इज मीटिंग ऑफ माइंड सो थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम चलो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर so i'll start explaining you every word now okay i'll just remove this because you all are not able to see what i have written चेंज दिस कलर ऑल्सो चलो फिर भी ग्रीन ही है क्या ओके देखो There should be meeting of minds. So you should be thinking about the same thing in the same sense at the same time. Along with that, we have also said that this particular meeting of minds should be free. To so your consent free onabi zaruri hai, free kab when is it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, and mistake. Okay. So, सबसे पहला पॉइंट है दैट द कंसेंट शुड नॉट हैव बीन कॉस्ड बाय कोर्शन नाउ व्हाट डू मीन बाय द वर्ड कोर्शन? फिजिकली अगर आप किसी को थेट करते हो हा बोलने के लिए तो ये जो उसने हा बोला है मतलब ये जो उसने कंसेंट दिया है माना जाएगा दैट दिस कंसेंट हैज बीन कॉस्ड बाय अर्शन ओके सो व्हेनेवर यू थ्रेट समवन, फिजिकली किसी को प्रेशराइज करते हो हाँ बोलने के लिए और वो प्रेशर में आके बंदा हा कह देता है तो उसने कंसेंट तो दिया है बट समझने की कोशिश करो उसका कंसेंट फ्री नहीं है तो जैसे कि से फॉर एग्जांपल, देखो यहां पे क्या हुआ है सी नाना पाटेकर ने गन पॉइंट पे आरके को थ्रेट किया कि तुम मुझे बीस लाख का लोन दो एंड वो भी विदाउट आस्किंग फॉर इंटरेस्ट अगर तुमने ये पैसे नहीं दिए ना मुझे आई विल शूट यू आई विल है, तो उसने तुरंत बीस लाख रुपए दे दिए विदाउट इवन चार्जिंग फॉर एन इंटरेस्ट एंड विदाउट एक्सपेक्टिंग दैट एनीथिंग विल बी रिटर्न टू हिम अगेन अब देखो यहां पर क्या हुआ है यहां पर आरके ने अपना कंसेंट दिया है यहां पर आरके ने अपना कंसेंट दिया है बट उसका कंसेंट फ्री नहीं है उन्होंने प्रेशर में आके हा कहा है मींस हिज कंसेंट वाज कॉस्ड बाय कोअर्शन हिज कंसेंट वाज कॉस्ड बाय कोअर्शन कोअर्शन मतलब फिजिकली आप थ्रेटन कर रहे हो किसी को और उसको मजबूर कर रहे हो हा कहने के लिए देन दैट इज नोन एज देर्शन देन दैट इज नोन एज कोअर्शन तब उस केस में वेन एवर यू थ्रेट इन संबड़ी वेनेवर यू थ्रेट इन संबड़ी ओके टू से यस वो बंदा प्रेशर में आके हा, हा तो बोल देता है बट हिज कंसेंट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज फ्री इट विल बी सेट दैट हिज कंसेंट वॉज

यहां पर अगर आप देखोगे इस कॉन्ट्रैक्ट में आरके इज द अग्रीव पार्टी अग्रीव पार्टी मतलब ही इज द वन हु हैज सफर्ड द लॉसेस जो दुखी है या जिसके साथ कुछ गलत हुआ है एंड नाना पाटेकर वुड बी कंसिडर्ड एज द बेनिफिटेड पार्टी जिसने ये गलत काम करके क्या किया है बेनिफिट पाया है तो अगर कोई भी आपको फिजिकली प्रेशराइज करता है कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए और वो डर से आप हा कह देते हो अब ऐसे केस में माना जाएगा कि आपका कंसेंट वॉज नॉट फ्रीली ऑप्टेन्ड इट वॉज ऑप्टेन्ड अंडर कोअर्शन एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ओके सो देखो पहला वर्ड तो पहला सबसे पहले तो कहा गया है दैट देर शुड बी आइडेंटिटी ऑफ दैट माइंड शुड बी व्हाट आइडेंटिटी ऑफ सो बेसिकली बोथ द पार्टीज शुड बी थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम अलोंग विद दिस फर्दर सच अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फ्री मतलब आपका कंसेंट भी फ्री होना चाहिए कंसेंट वुड बी कंसिडर्ड एज फ्री इफ इट इज नॉट कॉज बाय कोअर्शन सेकेंड अनड्यू इन्फ्लुएंस अनड्यू इन्फ्लुएंस आप लोग जानते हो इस शब्द का क्या मतलब होता है But undue का क्या मतलब होता है? जब आपने आपके इन्फ्लुएंस का गैर फायदा उठाया है इट विल बी कंसिडर्ड एज एन अनड्यू इन्फ्लुएंस अनड्यू मतलब गैर फायदा उठाना इन्फ्लुएंस का मतलब आपका किसी पर्सन के ऊपर इन्फ्लुएंस है और आपने क्या किया है आपके इस पोजीशन का गलत फायदा उठाया है और कुछ बेनिफिट पाया है अब दूसरी पार्टी तो आपके इन्फ्लुएंस में है तो ऑब्वियसली वो हां कह देती है बट ये जो उसने हां कहा है विल बी कंसिडर्ड एज इफ दैट पार्टी कंसेंट इज नॉट फ्री एंड इज कॉस्ट बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड हैज बीन कॉस्ट बाय वॉट कमोन टेल मी अनड्यू इन्फ्लुएंस जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए यहां पे क्या हुआ है इज एन ओल्ड फादर हु हैज थ्री सन्स एंड ओनली द यंगेस्ट सन इज टेकिंग केयर ऑफ हिज ओल्ड फादर ओके तो उनके खाने का पीने का दवाइयों का सारी चीजों का ख्याल जो है सबसे यंगेस्ट सन जो है वो कर रहा है अब इस केस में देखो क्या हुआ है ये जो सबसे छोटा बेटा है वो ये कह रहा है कि पापा अगर आप चाहते हो मैं ऐसे ही आपका ख्याल रखू आपके नाम पे जो भी प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम पे कर दीजिए ओके okay? आपके नाम की जो भी प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम पे कर दीजिए अब ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स नाउ दिस ओल्ड फादर इज डिपेंडेंट अपॉन दिस यंगेस्ट सन बिकॉज दिस ओल्ड फादर इज फिजिकली वीक मेंटली वीक और अब वो जानते हैं कि दो बड़े बेटे तो मेरा ख्याल नहीं रख रहे ये बेटा कर रहा है वो भी अगर रखना बंद कर देगा तो फिर मैं कैसे अपनी जिंदगी कटाऊगा अब उस केस में उस प्रेशर में आके देखो यहां पे फिजिकली कोई भी किसी को प्रेशराइज नहीं कर रहा है बट ना मैंटली डा मतलब फादर uh, जो है वो प्रेशर में आते हैं ऑफ हिज यंगेस्ट सन एंड देन इन दैट प्रेशर कि अगर मैंने पेपर साइन नहीं किया ये बेटा मुझे घर से बाहर निकाल देगा और फिर मैं लाचार हो जाऊंगा बेचारा हो जाऊंगा मैं क्या करूंगा तब उस केस में उस मेंटल प्रेशर में आके ये पिताजी जो है बूढ़े कमजोर पिताजी पेपर्स जो है साइन कर लेते हैं और सारी प्रॉपर्टी जो है इस बेटे के नाम पर कर लेते हैं अब यहां पर इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ओल्ड फादर Has given his consent. Old father has been has given his consent. But now his consent is not free. It has been caused under undue influence. The son is in a position to influence his father. But now this son has taken an undue advantage of his position and has pressurized his father. टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ओके ऐसे माना जाएगा दट दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड इन टू अंडर अंडू इंफ्लुएंस यहां पर पिताजी का कंसेंट फ्री नहीं है इट हेज बीन कॉज्ड अंडर अनड्यू इंफ्लुएंस जहां कोर्शन में फिजिकल प्रेशर था यहां पर अंडर अनड्लुएंस देर इज अंटल प्रेशर सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोअर्शन एंड अंडू इन्फ्लुएंस अंडू इन्फ्लुएंस के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि से फॉर अ मास्टर एंड अ सर्वेंट और अ डॉक्टर एंड एस पेशेंट और अ लॉयर एंड हिस क्लाइंट और से अ टीचर एंड टीचर की स्टूडेंट तो से फॉर एग्जांपल कोई टीचर कहती है स्कूल की टीचर कहती है कि बेटा स्टूडेंट को कहती है कि बेटा वो जो लाल कार में आप आए थे ना वो कार आप मुझे गिफ्ट कर दो तो मैं आपको ए ग्रेड से पास करवा दूंगी अगर आपने वो कार नहीं दी ना तो मैं आपको एफ फेल करवा दूंगी तब ऐसे केस में नाउ दैट स्टूडेंट इज अंडर दैट प्रेशर टू गिव दैट कार टू द मैम ओके तो अब अगर स्टूडेंट uh, के पिताजी ये कार मैम को देते भी है Mana unka consent free hai. It has been caused under undue influence because that teacher was under a position to influence the child. And this teacher has used or taken an undue advantage of her position and has taken that car at a very nominal price, which is not correct. And thus it is said such a contract wherein the consent is not free and has been obtained by undue influence will be set. एज इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड अब अभी कोई चीज मैं आपको बताना चाहती हूं अगर मैं इन्फ्लुएंस की बात करती हूं इंफ्लुएंस कैन ओनली हैपन वेन देर इज समर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज तो टीचर और स्टूडेंट कुछ किस्म का रिलेशनशिप है या मास्टर एंड सर्वेंट फादर एंड सन डॉक्टर एंड इस पेशेंट और लॉयर एंड इज क्लाइंट सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज एग्जिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज और उसी के तो वजह से वन पर्सन इज इन अ पोजिशन टू इंफ्लुएंस द अदर बट कुशन में मुझे आपको बता दो बता, बताना है कि कोअर्शन में इट इज नॉट नेसेसरी दैट नेसेसरीर इज एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज कोअर्शन कैन ऑल्सो हैपन फ्रॉम अ थर्ड पार्टी हु रिलेशनशिप विद द पर्सन जिसके ऊपर कोअर्शन एक्सरसाइज किया गया है बट अंडू इन्फ्लुएंस में येस देर इज ऑलवेज सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज एंड वन पार्टी इज इन एन इंफ्लुएंसिंग पोजिशन एज कंपेयर टू दर जिसका एडवांटेज उठाया जा रहा है यहां पर अगर दूसरी पार्टी अग्रीव पार्टी हां कहते भी है माना जाएगा उनका कंसेंट फ्री नहीं है एंड इट हैज बीन कॉज्ड बाय ड्यू इंफ्लुएंस गेटिंग दिस ऑर नो माई डियर फ्रेंड सो येस यहां पर फिजिकल प्रेशर यहां पे मॉरल प्रेशर वहां पे रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं होती है बट अंडू इन्फ्लुएंस में देर इज सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू पार्टीज ओके सो इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग टू द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स यू कैन आस्क मी अदरवाइज आई विल मूव अहेड प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग टू दीज टू वर्ड्स ओनली ओके कोअर्शन एंड अंडू इंफ्लुएंस स yes, भावेन आपके सवाल का जवाब बताया जाएगा बट इट विल टेक अ लिटिल टाइम मे बी नेक्स्ट वीक आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब मैं आपको बता दूंगी ठीक है सैम पूछ रही मैम कोर्ट को कैसे पता चलेगा कोअर्शन हुआ एंड ड्यू इन्फ्लुएंस बिकॉज वेन यू विल गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड यू विल फाइल अ केस आप बताओगे ना कि ऐसा कुछ हुआ था ना स अंडू इन्फ्लुएंस इज समथिंग लाइक इमोशनल ब्लैकमेलिंग येस स्नेहल सेजल ये फादर एंड सन का जो एग्जाम्पल है वह अंडू इन्फ्लुएंस का है बिकॉज सन हैज नॉट थ्रेटिंग द फादर कि मैं आपको मार दूंगा या ऐसा कुछ थ्रेटन नहीं किया है, सिर्फ कहा आई विल स्टॉप टेकिंग केयर ऑफ यू है ना अग्रीव पार्टी मतलब जिसके साथ गलत हुआ है तो जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में आरके के साथ गलत हुआ है आरके वुड बी कंसिडर्ड एज दी अग्रीव पार्टी यहां पे फादर के साथ गलत हुआ है सो फादर विल बी कंसिडर्ड एज द अग्रीव्ड पार्टी ओके So, whenever there is physical pressure, it will be considered as coercion. And whenever there is mental pressure, okay, it will be considered as undue influence. Okay. Yes, Harshita, consensus at idiom means meeting of minds, which means thinking about the same thing in the same sense at the same time. कोअर्शन में रिलेशनशिप होना जरूरी नहीं है ओके बट अंडू इंफ्लुएंस में रिलेशनशिप होना जरूरी है इट्स ऑलवेज देयर किसी ने पूछा है मैम अगर कॉन्ट्रैक्ट ओरल है तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा तो अब चीजों को कोर्ट में प्रूफ कैसे करने वाले हैं? उससे रिलेटेड हम पढ़ ही नहीं रहे ना तब तो अगर आप कहोगे मैम इंडिया इतना बड़ा सिटीज है इन सिटीज में न जाने कितनी सारी गलियां है और इन गलियों में अगर किसी ने किसी के साथ कोअर्शन किया है या अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है, तो कोर्ट को पता कैसे चलेगा भी को पता कैसे चलेगा ये हमें बेटा देखना ही नहीं है ना तो इंस्टीट्यूट जब कभी भी आपको क्वेश्चन पूछेगा इंस्टीट्यूट क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे कह देगा कि ऐसा हुआ है अब आपको आपने क्वेश्चन में ऑलरेडी देख लिया है ये फिजिकल प्रेशर है या मेंटल प्रेशर है तो उसके हिसाब से आप जज करोगे वेदर इट इज कोवर्शन और वेदर इट इज अंड यू विल गिव द आंसर टू द क्वेश्चन आप उस, आप इंस्टीट्यूट के सवाल के आगे सवाल नहीं पूछोगे कि इंस्टीट्यूट पहले तू बता कि प्रूफ कैसे करेंगे इट विल बी इट विल बी सॉर्टेड आउट एंड थिंग्स विल बी गिवन यू आर स्टेटेड फैक्ट्स और इंस्टीट्यूट के सवाल के आगे आपको देना होगा जवाब तो ही आपको मार्क्स मिलेगा प्रूफ कैसे करते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है इन द एल एल बी कोर्स ठीक है नॉट इन आकुल तो या तो कोर्शन हो रहा है आपके साथ या तो अंडियो इंफ्लुएंस हो रहा है आपके साथ ठीक है ओके चलो सो आई थिंक यू डोंट हैव एनी डाउट्स रिलेटिंग टू द टॉपिक आई डोंट वांट एनी ऑफ ऑल टू गो ऑफ ट्रैक सो आई एम जस्ट टर्निंग ऑफ द चार्ट तो देखो पहली बात तो कंसेंट का होना जरूरी है और साथ साथ में आपका कंसेंट फ्री होना जरूरी है फ्री तब होता है वेन इट इज नॉट कॉज बाय कोअर्शन अंडू इंफ्लुएंस अब आगे के दो शब्द मैं आपको एक ही एग्जाम्पल के तहत समझाने वाली हूं एंड दैट इज फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन ओके अब देखो क्या हुआ है एक दिन कपिल आलिया के घर पे आता है टू सेल अ वॉटर प्योरीफायर और कहता हे आलिया देखो ये जो वॉटर प्योरीफायर है इसके ये दस बेनिफिट है, और वो कहती है एक में इतने सारे बेनिफिट्स आई कुड है तुरंत ही वो पैसे देती है और ये वाटर प्योरिफायर खरीद लेती है जब वो एक्चुअली ये वाटर प्योरिफायर को यूज करना चालू करती है उसे पता चलता है कि कपिल की कही हुई आधी से ज्यादा बातें तो झूठी है इन दस में से सिर्फ चार ही बेनिफिट्स एक्चुअल में अवेलेबल है विद दिस वाटर प्योरिफायर बहुत ही दुखी है रो रही है उन्होंने देखो ना आ, आ, आ रो रही है, कह रही धोखा हुआ है मेरे साथ दस चीजें प्रॉमिस करके फाइनली ही चीजें यहां पर हुई है प्रूफ टू बी करेक्ट सो अब देखो यहां पे हम कह सकते हैं कि आलिया का कंसेंट फ्री नहीं है यहां पे हम कह सकते हैं कि आलिया का कंसेंट फ्री नहीं है उसको बोला गया था कि ये दस बेनिफिट्स है बट रियलिटी में ये दस बेनिफिट्स इस वाटर प्योरिफायर में नहीं थे उसने हां इसीलिए कहा क्योंकि उसको लगा कि ये दस चीजें है अवेलेबल बट रियलिटी में अगर उसको पहले पता होता कि ये वाटर प्योरिफायर में ये दस नहीं सिर्फ चार ही चीजें होती है तो शायद वो वाटर प्योरीफायर खरीदती नहीं तो बेसिकली उसका कंसेंट जो है वो फ्री नहीं है इट हैज बीन कॉज ईदर बाय फ्रॉड और मिसरीप्रेजेंटेशन अब कब माना जाएगा कि फ्रॉड हुआ है और कब माना जाएगा कि मिस रिप्रेजेंटेशन है कपिल ने जो भी दस चीजें बोली है जिसमें से छह चीजें गलत है झूठी है अगर उसको पता था अगर उसको पता था कि वो झूठ बोल रहा है सो बेसिकली इट वॉज इंटेंशनल और इंटेंशनली जब आप मिस देते हो इट इज कंसिडर्ड एज अ फ्रॉड बट अगर आपने जो बातें कही है जो झूठी बातें कही है आपको नहीं पता था जो आप कह रहे हो वो झूठा है आपको लगा जो कुछ भी कह रहे हो आप सच है और सच के अलावा कुछ नहीं है देन इफ यू हैव गिवन दीज मिस स्टेटमेंट इनोसेंटली इट विल बी कंसिडर्ड एज अ मिस रिप्रेजेंटेशन देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ मिस रिप्रेजेंटेशन बेसिकली माई डियर फ्रेंड्स जैसे कि हम कह सकते से, कपिल वॉज ओनली अ सेल्स पर्सन तो उसके जो सेल्स हेड ने उसको बातें बोलने के लिए कही थी वही बातें उसने आगे सारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को बोली थी उसको नहीं पता था ये बातें जो बोल रहा है वो झूठ है और सिर्फ चार ही बातें सच है और छह बातें झूठी है उसने तो इनोसेंटली जो भी उसको बताया गया था वो उसने आलिया को बताया तो उसको तो लगा जो भी कुछ कमिट किया जा रहा है वो सच है तो अब ऐसे केस में इनोसेंटली जब आप मिसस्टेटमेंट करते हो इट इज नोन एज मिस रिप्रेजेंटेशन और जब आप जान बूझ के झूठ बोलते हो जब आप जान बूझ के झूठ बोलते हो इट इज नोन एज अ फ्रॉड बट पते की बात यह है चाहे आपने जानबूझ के झूठ बोला है या इनोसेंटली झूठ बोला है आपने झूठ तो बोला ही है चाहे आपने जान बूझ के झूठ बोला है या इनोसेंटली झूठ बोला है आपने झूठ तो बोला ही है और क्योंकि आपने झूठ बोला है माई डियर फ्रेंड्स इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ द कंसेंट ऑफ आलिया इज नॉट फ्री क्योंकि अगर उसको सच पता होता तो शायद वो वॉटर प्योरिफायर खरीदती ही नहीं उसने तो सोचा कि दस बातें हैं बेनिफिट्स अवेलेबल है एंड दैट इज वाय शी परचेस्ड इट गेटिंग दिस आर नो माई डियर फ्रेंड्स सो so, फ्रॉड या मिसरीप्रेजेंटेशन से जो ऑप्टेन किया गया है कंसेंट दैट कंसेंट इज नॉट अ फ्री कंसेंट दैट कंसेंट इज नॉट अ फ्री कंसेंट एंड वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन द आईज ऑफ लॉ याद रखना फ्रॉड तब होता है जब आपने इंटेंशनली झूठ बोला है और मिसस्टेटमेंट तब होता है जब आप इनोसेंटली झूठी बातें बोलते हो बट चाहे आपने इंटेंशनली बोला है या इनोसेंटली बोला है आपने झूठी बातें बोली है और झूठ को सच समझते हुए कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया है और बाद में धोखा हुआ है एंड दैट इज व्हाई वी से दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ओके ओकी तो देखो सच अ कॉन्ट्रैक्ट अ कंसेंट मस्ट बी फ्री कंसेंट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी फ्री इट इफ इट इज अच्छा सो कंसेंट वुड बी कंसिडर एज फ्री इफ इट इज नॉट कॉज बाय कोर्शन मेंटल सॉरी फिजिकल प्रेशर एंड डू इंफ्लुएंस मेंटल प्रेशर फ्रॉड जानबूझ के झूठ बोला है मिस रिप्रेजेंटेशन गलती से झूठी बातें बोली है और मिस्टेक मिस्टेक टेक्स अराउंड न आर सो मिस्टेक विल बी डन लेटर ऑन इन यूनिट नंबर थ्री सो दिस इज बेसिकली पेंडिंग राइट नाउ मैंने सिर्फ चार ही शब्द आप लोगों को पढ़ाया है और यही शब्द मैं आज पढ़ाने वाली हूं आई थिंक टाइम भी मेरा खत्म हो चुका है बिकॉज इट्स अप्रोक्सिमेटली थ्री ओ क्लॉक सो आई थिंक पूरे एक घंटे में मेरा एक ही पॉइंट सीखा क्यों बट इट इज वर्थ इट बिकॉज आई एम क्रिएटिंग अ बेज For y'all, because Indian Contract Act is the base for even your Sale of Goods Act and your Partnership Act. But your base should be really strong because you know you cannot support a dome of steel with pillars of straw. So your pillars have to be really strong. And for y'all, okay, foundation is the pillar for your CA journey. Hai na? But I have to make it sure that you have understood every point. थरली है ना क्योंकि इसके बाद तो हमें लर्न भी करना है कॉन्सेप्ट में ही हमने एक पॉइंट को पूरा एक घंटा अप्रोक्सीमेटली एक घंटा दे दिया उसके पहले पॉइंट को दस मिनट्स अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी मिनट्स आई हैव टेकन ओनली फॉर वन सिंगल पॉइंट ओके बट यहां पे जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है अब यहां पे आपका प्रोसेस शुरू होता है बिकॉज यू हैव टू डू द लर्निंग पॉइंट मेरे डाइट पे एक्सप्लेनेशन पार्ट विल बी डन थरली विथ एग्जाम्पल सम्स इवन रियल लाइफ एग्जाम्पल समटाइम्स इवन विथ वीडियो पीपीटीज एंड एवरी पॉसिबल थिंग विल बी डन सो दैट आई कैन मेक दिस थियोरी सब्जेक्ट अ प्रैक्टिकल वन बट लर्निंग हैज टू बी डन फ्रॉम योर एंड दिस आई कैन नॉट डू फॉर यू फॉर विच आई एम रियली वेरी सॉरी राइट कैसो ना मेरी बात एक बार मेरे साथ सब लोग रिवाइज करोगे एंड देन आई विल कॉल इट एन ऑफ फॉर टूडे तो सुनो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए देर शुड बी अ प्रॉपर अग्रीमेंट प्रोपर ऑफर एंड प्रोपर एक्सेप्टेंस होना जरूरी है सेकेंड पॉइंट कहता है इट शल ऑल्सो हैपन बाई टेकिंग द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी कंसेंट मतलब बोल द पार्टीज शुड थिंक अबाउट द सेम थिंग द सेम सेंस एट द सेम टाइम सिर्फ कंसेंट ही नहीं आपका कंसेंट जो है वो फ्री होना भी जरूरी है कब होगा आपका कंसेंट फ्री वेन इट इज नॉट कॉज बाय फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन अंडू इंफ्लुएंस एंड कोअर्शन गेटिंग दिस ऑर नो माई डियर फ्रेंड्स इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी राइट नाउ एंड द अदर स्टूडेंट्स मिलीव सो थैंक यू सो मच माइ डियर फ्रेंड सी यू ऑल टूमोरो बाय बाय

बाकी के जो बच्चे हैं, जिनके इंग्लिश लेक्चर्स अभी भी शुरू नहीं हुए हैं सो आई थिंक दो हजार दो स्टूडेंट्स जिन्होंने एक तारीख के बाद से एडमिशन लेना चालू किया है आपके इंग्लिश के एक भी लेक्चर्स नहीं हुए आप लोगों के लिए इंग्लिश के लेक्चर्स शुरू होने वाले हैं परसों से वेनिस से ठीक है और पहले आप लोगों को चैप्टर नंबर वन टू तो, थ्री अलग से पढ़ाया जाएगा तो आप लोगों का कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है डोंट वरी एंड वंस दोनों भी बैचेस आर एट पार दोनों भी बैचेस के तीन चैप्टर्स हो जाते हैं एंड देन मैम विल बी टीचिंग योर लेक्चर नंबर फोर टूगेदर टू ऑल ऑफ यूल है ना सो डोंट वॉरी देर इज नो लॉस दैट इज हैपनिंग टू यल सब कुछ परफेक्टली प्लैंड एंड इट इज गोइंग अकॉर्डिंगली ओनली ओके यू ओनली हैव टू कॉर्डिनेट ठीक है अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब जब कभी भी मेंटली किसी को प्रेशराइज करके आप उसकी कंसेंट पाते हो इट इज नोन एज अनड्यू इन्फ्लूएंस ठीक है ओके थैंक यू सो मच सी यू ऑल टूमोरो आइडेंटिटी इन माइंड मतलब जो भी आप सोच रहे हो वो सेम है आइडेंटिकल है ऐसा सैम uh, आप ध्यान नहीं दे रहे हो क्या मेरे लेक्चर्स पे मिस्टेक के बारे में देखो ना मैंने यहां पे लिखा है आई विल टीच यू इन यूनिट नंबर थ्री ध्यान दो बेटा इधर उधर भटकना नहीं है लेक्चर्स लेते लेते ठीक है अच्छे से शिद्दत से पढ़ाई करनी है आपको इंग्लिश का टाइम वुड बी आफ्टर लॉ सो एज सुन एज लॉ क्लास गेट्स होव यू विल हैव अ फिफ्टीन मिनट्स ब्रेक आफ्टर विच इंग्लिश लेक्चर्स वुड स्टार्ट ओके सो थैंक यू ऑल सो मच सी यू ऑल बाय बाय